हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस यूजर निधि पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 पर यहाँ पर चल रही है, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से 2.5 है, 2.4 है, ठीक है। और जो हमारे क्वेश्चन है वो 6 कंप्लीट हो चुके हैं, और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में हमारे पास हमें दिया है भैया क्या, उपयुक्त सरसमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है, और हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है, उनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास 99 की पावर कितनी भैया, 3 है। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, 102 की पावर कितनी है, 1/3 है, सॉरी कितनी, 3 है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कितना है, 99, है ना, 99/8 की होल पावर 3। ठीक स्टूडेंट, तो क्या करना है, मेरा यूज ऑफ आइडेंटिटीज करनी है ना, क्या सरसमिका का यूज करके। तो भाई सबसे पहले हमें देखना होल पावर क्यूब, है ना। अबे देखो इसको हमें कैसे, अगर हमें क्या, अगर हम इसको ऐसे करें तो भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा। पर उसने कहा कि हमें क्या करना है, सर्वसेमिका का यूज करना है, किसका, आइडेंटिटी का क्या करना है, हमें यूज करना है, ठीक है। तो इस वाले तरीके से तुम क्वेश्चन को कर नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या है, सर्वसेमिका के द्वारा कैसे करते हैं। कितना है, 99, इसकी होल पावर कितने भैया, 3। तो इसको कैसे लिखते हैं, 100 - 1, है ना, इसकी और पावर कितनी, 3 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट सेम, क्योंकि 100 में से 1 गया तो कितना बचा, 99, है ना। अगर 100 में से हम 1 घटाते हैं तो कितना आता है बच्चों, 99 आता है, ठीक है। ये हमें पता है इसकी और पावर 3 है तो 3 है। इसको हमने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि हमें क्या करना है, सर्वसमिका का क्या करना है, यूज करना है हमें आइडेंटिटी का, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि दो नंबर के बीच में जब क्या प्लस या माइनस का साइन होता है, उसकी होल पावर क्या, 3 होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, a प्लस बी की होल पावर 3, है ना, ऐसा। पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या है स्टूडेंट, माइनस है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बच्चों, फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, 100 - 1, इसकी होल पावर कितनी भैया, 3, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, 3 ए बी स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, 100, ये 1, 100 1, ये भी 100 और ये 1, ठीक है। मतलब जहां पे a था उसकी जगह हमने कितना लिख दिया, 100 100 लिख दिया, ठीक है। और b की जगह कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या 1 1 लिख दिया हमने, b की जगह 1, ठीक है। अब 100 की क्यूब है ना, तो 100 की क्यूब हम कैसे लिखेंगे, देखो इसकी पावर कितनी है, 3, 0 कितनी है यहाँ पर, 2, तो जितनी भी 0 होगी ना काउंट कर लो, 1 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो गया, 6 2 3 6। तो क्या करेंगे, 6 0 यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया, हम 1 के साथ लगा देंगे, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा 1 ही लिखते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, 3 है ना, ये कितना है, 1 2 और 2 पावर है ना, तो 2 2 4 है ना, कितना आ गया यहाँ पे, 4 0 आ जाएगी। 1 किस में मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 ही मल्टीप्लाई 100 में कर दो, कितना आ गया भाई, 300 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, इसको हम क्या है, 1 ही लिखते। अब क्या करते हैं भाई, इसमें से क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना। तो देखो यहाँ पे भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9, ठीक फ्रेंड। इसमें से हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, इसको बाद में लिखते हैं ना, इसी से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया भाई, 300। अब क्या करते हैं इसमें, देखो कितनी 0 है, 4, तो 4 9 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, है ना। ये कितना आ गया, 3, तो 9 में से 3 गए कितने बचे भैया, 6, और ये कितना, 9, और ये कितना है, प्लस 3, 2 0 एज इट इज,
और ये 99 है ना, 9 और 3 कितना हो गया ऐड करके 12, कैरी 1, 10 की 0 है ना, ये 7 और ये कितना 9, ये आगे बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ इस आइडेंटिटी का हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया और उसके बाद हमारे आंसर ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 2, ये 200 में कितना ज्यादा है बच्चों, 2 ज्यादा है तो इसमें ऐसे लिख दिया ना। इसके बाद हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी है ना प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक फ्रेंड, अब ये कितना है, 100 प्लस 2 क्यूब है ना, क्या करते हैं सब पुट करते हैं वैल्यू, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर और ये बी एज इट इज प्लस 3 ए एज इट इज और ये बी का स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह 100, इसकी जगह 2 यहाँ पे, सो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 100 और यहाँ पे 2, इसकी क्यूब है ना, 2 जीरो है तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो कितना 6 जीरो, 2 2 4 6 है ना, 2 की पावर 3 कितना 8, 3 है ना, अरे कितना 100 हो जाएगा, कितना 100 है ना, इसकी पावर 2 है, कितना आ जाएगी 4 जीरो आ जाएगी, इंटू कितना है भैया 2 प्लस 300 हो जाएगा ये, अरे कितना हो जाएगा भैया 4, 2 का स्क्वायर 4, क्या करते हैं इसको इसमें ऐड करते हैं, कितना आ गया 8 है ना, 0 0 0 0 0 1। ठीक है फ्रेंड, प्लस 3 2 6 1 2 3 4 ये आ गया प्लस, अरे 4 3 12 ये आ गया 12। ठीक है फ्रेंड, अब इनको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, देखो 2 0 ये 2 0 और ये 0 8, ये तो आ गया एडिटिव। ठीक है, ये 12 2 0 और 2 0 ये 12 भी एडिटिव, उसके बाद ये 6 और ये 0 ये 6 और ये कितना बच्चों 10 ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, थर्ड पार्ट 99। ठीक है, कितना आ गया 99 और कितना था 8 है ना, 998 और इसकी होल पावर कितनी हुई है 3। अब क्या करना है, ये देख लो किसके नियर अबाउट है, हम 100 के नियर अबाउट इसलिए लिखते हैं हम इसको, क्योंकि हमारे पास क्या होगा 100 के हम पावर भी फिक्स करते हैं तो हम क्या जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 998 है ना, 998 इसको क्या लिखते हैं, 1000 माइनस 2 तो कितना बचा भैया, 998 बचेगा ना, 999 बचेगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका क्यूब है ना माइनस बी का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर डी प्लस है ना, हम क्या कर सकते हैं 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास इसी का ही। ठीक है, जब हमने आपको इसका क्या बताया था, बेसिक बताया था थोड़ा सा, ठीक है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि एक्स माइनस वाई की होल क्यूब है ना, जैसे ये बताया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, थोड़े से क्या करते हैं बच्चों, हम इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं ना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं बीच में, ए माइनस बी ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं है ना, कितना आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी और ये ए माइनस बी। ठीक फ्रेंड, अब ए कितना आएगा, 1000 माइनस कितना बच्चों 2 स्क्वायर पावर 3, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, देखो इसकी जहाँ कितना आ जाएगा 1000 है ना, इसकी क्यूब माइनस बी, बी की जहाँ कितना 2 का क्यूब माइनस 3 ए और यहाँ बी, ए की जहाँ कितना है हमारे पास 1000 है ना, लिख दिया 1000 है ना, और बी की जहाँ कितना है 2 और यहाँ पे कितना भाई 1000 माइनस 2 ये आ जाएगा पावर 1 2 3 और 3 में 3 की मल्टीप्लाई करो 9 है ना, तो 1 के साथ कितनी भाई 90 कितनी आ जाएगी भैया 90 1 2 3 4 5 6 7 8
दो दो चार, दो छः, दो आठ, अरे नौ, है ना। दो की क्यूब कितना भैया, आठ, है ना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये तीन दूनी छः, छः गुना 1000 में करेंगे कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, तीन दूनी छः, एक दो तीन, है ना। और ये इसमें से टू माइनस कर दो, नाइन नाइन एट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बचेगा, ठीक है। क्योंकि कितना था, 1000 माइनस दो कितना था, 999, है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो कितना, एट, तो यहाँ पे कितना बचा, टू, नाइन नाइन नाइन, ये भी 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 नाइन, है ना। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दिन, है ना, ठीक है, माइनस। अब इसकी देखो, ये तीन जीरो जो एड डिजिट है ना, छः की मल्टीप्लाई आठ में, आठ छः 48 का आठ, कैरी फोर, ठीक है। छः नम 54, 54 और चार 58, कैरी फाइव, ठीक है। नौ छः की 54, 54 और पाँच 59, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, देखो ये तीन जीरो है तो तीन नंबर से हमारे पास एज इट इज आएंगे, है ना, 992। अभी देखो, नाइन में से एट गया कितना बचा भाई, वन, नाइन में से एट गया ये भी कितना बचा, वन, और ये नाइन में से नाइन कितना बचा भैया, जीरो, है ना। अरे नाइन में से फाइव कितना बचा, फोर, और ये हमारे पास कितना हो गया, 99, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन से क्या हमारा कंप्लीट हुआ, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बता देना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है और हमें आगे और कितनी मेहनत की क्या जरूरत है, ठीक है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी आ गया इसका अपोजिट आ गया एकदम, है ना। जो क्वेश्चन नंबर हमने सिक्स किया था, इसका क्या आ गया, अपोजिट आ गया। अरे भाई कितने पार्ट्स है इसमें, फाइव पार्ट्स है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दो दो पार्ट को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर भाई एट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, पहला फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि क्या फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, ठीक है। प्रत्येक का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो कितना है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। b क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस कितना है, 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, इसके दो पार्ट है हमारे पास, पहले भी नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगले जो भी तीन पार्ट है उन्हें करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हमें क्यूब क्यूब दिखाई दे रहा है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फोर या फिफ्थ में था हमारे पास, क्या कि हमें यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे रहा था तीन जगह, तो हमने क्या कर लिया था, उसको कन्वर्ट कर लिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में। यहाँ पे क्यूब है तो इसका मतलब क्यूब वाला क्या, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, ये किसकी क्यूब है, एट टू की, है ना, इसके साथ कौन है, इसको हमने ऐसे क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। बी अकेला है तो इसकी और पावर भी थ्री है, ठीक है, प्लस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस प्लस है ना, ए प्लस बी की होल क्यूब का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया। इस ए स्क्वायर है, ये बी एज इट इज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, फिर थ्री लिख दिया हमने, फिर ए और इसके बाद कितना है, बी का स्क्वायर एज इट इज। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टू है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बी की वैल्यू कितनी है, थ्री, ए की वैल्यू कितनी है, टू है, और बी की वैल्यू कितनी बच्चों, बी की वैल्यू, बी ए की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू ये, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू बी है ना, इसकी वैल्यू ये है,
और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे बी है ना। अब क्या करते हैं हम स्क्वायर एक बार ना खोल कर देखते हैं ना, दो की क्यूब एट, ए क्यूब जो कर तू ए भी जो कर तू है ना, दो का स्क्वायर चार, चार तिया बारह, बारह ए स्क्वायर बी एज इट इज है ना, तीन दोनी छः, छः ए और ए बी का स्क्वायर भी एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हमको क्या लिख लेना है। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन है इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन है तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, जब ए बी का होल ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भाई मैं से लिख सकते हैं, इसकी होल पावर थ्री है ना, ए ए की जहाँ कितना है टू है, सब प्लस क्या है ना तो बीच में प्लस आ जाएगा और ये बी है ना, हाईएस्ट पावर तीन है तो तीन बार लिख लो भाई, कितना कितनी बार हो गए जी फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या हो गया इसके फैक्टर हो गए इनके गुणनखंड। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है भाई बिल्कुल, क्या है सेम है, ओनली क्या है बस माइनस चेंज है, तो क्या करना है हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इसे टू ए की क्यूब है ना माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे कितना है टू ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे कितना है टू ए और यहाँ पे कितना है बी, तो कुछ नहीं करना भाई मेरे, अगर यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, दो जगह माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमें, अब माइनस है तो बीच में तो माइनस आ गया, इसकी जगह कितना है टू है तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे कितना है बी तो बी, और पावर कितनी है और पावर थ्री है ना, तो इसे हम कितनी बार लिख लेंगे भैया, थ्री बार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या करते थे इरेज कर देते हैं ना, मिटो देते हैं इसे भाई। क्वेश्चन नंबर है भैया थर्ड पार्ट में हमारे हमें दिया गया है भैया 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 है ना ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कितना है 64 ए क्यूब 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी। ठीक है, और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये में क्या है क्वेश्चन गिवन है, तो करना क्या भाई कुछ नहीं करना, क्यूब है ना तो क्यूब में क्या फॉर्मूला बनाना है, मैं देखो कैसे 27 है किसी क्यूब होती है 3 की क्यूब है ना, इसकी 3 क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब 5 का है ना, और इसके साथ a a क्यूब माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए देखो, ये है ना माइनस का फॉर्मूला था, तो देखो कुछ नहीं करना हमें 3 a स्क्वायर b ऐसे लिखना है। ठीक है, प्लस 3 a b स्क्वायर लिख दिया ना, अब a की जगह कितना है 3 और a कितना है b, b की जगह कितना है 5 है, a की जगह 3 और a कितना 5 a, फॉर्मूला खोल के देख लो है ना, 3 पावर 3 27 5 की क्यूब 125 a क्यूब एज इट इज माइनस, देखो 3 दिया 9 ठीक है 5 दिया 15 तो 9 गुना 15 कितना हो गया भाई 135 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, a आ जाएगा, अब कितना है 225 है ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 की गुणा कर 9 में कर देगी तो कितना आएगा बच्चों 225 अरे a स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस माइनस दो जगह तो बीच में माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, इसकी ऑल पावर 3 है तो इसको क्या करते हैं 3 बार लिख लेते हैं भैया है ना, तो कितने आ जाएगा क्या लिखेंगे इसे 5 है 3 माइनस 5 है और ये भी 3 है माइनस 5 3 माइनस 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये किसका स्क्वायर है 4 की क्यूब है ना, दोनों की होल क्यूब माइनस, ये 27 किसी क्यूब है भाई 3 है ना और ये बी है इट इज माइनस, क्या बताया मैंने आपको 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर है इट इज, ऐसे लिखना कुछ नहीं करना। ठीक है, इसकी जगह कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 है और ये 3 बी 3 बी है ना, ये 4 है और ये 3 बी, स्क्वायर ओपन करके देख लो, इसका क्यूब 4 का क्यूब कितना है 64 ए क्यूब एज इट इज, 3 की क्यूब 27 बी क्यूब एज इट इज, ये कितना आ जाएगा
नौ है ना, और चार का स्क्वायर 16, तो 16 नंबर 144, ए स्क्वायर एज इट इज बी एज इट इज, ठीक है। चार थे 12 और 12 ही गुणा अगर 3 का स्क्वायर 9, 12 नंबर 108 है ना, ए बी का स्क्वायर ये रहा, ए बी ए ये रहा और बी का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो क्या करना है, बीच में माइनस लिख देना है, अरे कितना है 4a और ये कितना भैया 3b और उसकी क्यूब है ना, इसको क्या करना है 3 बार लिख दो बस आप इसे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट है इसका है ना, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है कितना बच्चों, और कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन क्या लगता है भारी लगता है, पर है कुछ नहीं इसमें ना, ऐसे ही करना है बस, पी क्यूब माइनस वन अपॉन 216 है ना, माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो ठीक है फ्रेंड, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना बस है ना, ये कितना है 27 है 3 और ये पी क्यू, बहुत आसान है ना, माइनस 1/4 216 किसका क्यूब होता है 6 का है ना, तो 1 की क्यूब अगर हम लिख भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 216 किसका क्यूब होता है भैया 6 का है ना, तो 1/6 इसी क्यूब हो जाएगी है ना, 6 क्यूब 216, 1 की क्यूब 1 ही रहती है ना, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी है ना, तो और प्लस कितना जाएगा भैया, पहले यहाँ पे 3 है ना, ए बी स्क्वायर, अभी से यहाँ कितना है 3p और ये कितना भैया 1/6, ये कितना 3p और ये 1/6। अब देखो हमें करना क्या है, वापस 3 की क्यूब 27p एज इट इज, 1 की क्यूब 1 ही रहेगी है ना, 1 की पावर कुछ भी हो, और 6 की क्यूब 216, 3 का स्क्वायर 9 है ना, और 3 कम 3 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा 13, 2 और ये पी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 और 1 का 1 स्क्वायर अपॉन 36 है ना, तो 9 से हम क्या 36 वगैरह डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4 है ना, ये पी एज इट इज। तो भाई हमें कुछ नहीं करना, इसकी और पावर 3 है तो हम 3 लिख दें यहाँ पे, बीच में क्या माइनस है, ये 3p और ये 1/6, ठीक है। अब इसको हमने कितनी बार लिख लिया भाई, 3 टाइम्स इसको लिख दो और आंसर आ गया हमारे पास 3p 1/6 और ये 3p 1/6, ठीक है स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन में क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ इसके 5 पार्ट्स है, ठीक है। तो हाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले 3 पार्ट्स को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।